वो सबसे पहले मैं निकला कोचिंग के लिए। हाँ भाई, हाँ जाता हूँ मैं कोचिंग यार। कोचिंग पूछ कर देखा, कोई तो आ नहीं रखा था। हमेशा की तरह मैं ही क्यों जल्दी आ जाता हूँ। देखा तो देखा, भैया भी नहीं आ रखे थे। फिर बसती है मेरी घंटी। पढ़ लिख कर किसी का भला नहीं हुआ भाई, तो मेरा कहाँ से होगा। चलो फिर चलो, निकलते हैं कोचिंग से। कोचिंग से निकलने के बाद हमारे पास आ जाता है ये भाई, समझते थे वेंचर वाला। फिर हम दोनों भाई मार्कशीट लेने आया था सीसीएस यूनिवर्सिटी। पूछते हैं पहले इंक्वायरी काउंटर पे पूछते हैं भाई मार्कशीट कहाँ मिलेगी। हम फॉर्म तो ले लेते हैं, लाइन देखकर प्लान कर देते हैं हम ड्रॉप। तो हम आ जाते हैं स्कूटी का टायर डलवाने, हाँ इस पंचर बॉय के साथ ही। हाँ से फिर मैं आया तो रिलायंस स्टैंड्स आती है। पहले फोटो का कार्यक्रम शुरू और एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। लेते हैं एक टी शर्ट और फिर जाते जाते हमें मिलती है एक सुंदर कन्या। चल आई लव यू बोल, आई लव यू, आई लव यू। मैं नहीं बोल रही, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। फिर आ जाते हैं पूमा शोरूम। यहाँ से हमें एक चप्पल लेना पड़ गया था महंगा, तो हमने कहा चलो भाई घर। घर जाने से पहले हमें करनी थी पेट पूजा, तो मैं आ गया बेकरी। यहाँ से लिए हमने दो बटर पेटीज और दो कोल्ड ड्रिंक, मजे से खाई। और जाते जाते रास्ते में हमें एक कुछ अद्भुत चीज मिली भाई, देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग अ पापा का परा। ये क्या है?